मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है एंट्रोपी। और इससे पहले अपन कर चुके हैं कार्नो चक्कर और कार्नो परमी। अगर ये अपने थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट थर्ड है वो अपने फिर कंप्लीट है, जिसमें कार्नो चक्कर और कार्नो परमी और कार्नो इंजन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंट्रोपी को अगर समझना है तो कार्नो चक्कर को आपको समझना जरूरी है। और अभी तक अगर अपने कार्नो चक्कर को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर कंबाइंड है। और जितना इजी ये टॉपिक अपने को लगता है उतना है नहीं, क्योंकि एंट्रोपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझना काफी जरूरी है। जो नेक्स्ट यूनिट अपन फोर्थ यूनिट जो करेंगे उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, तो इसमें अपने को काफी जरूरत पड़ेगी एंट्रोपी की। बार बार एक एंट्रोपी है और एक एंथैल्पी है, दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। तो फिजिक्स में अपन इसको देखते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एंट्रोपी जो नाम है वो आया है अव्यवस्था से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस नेचर के अंदर अव्यवस्था है वो निरंतर बढ़ रही है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर या इस नेचर के अंदर जितनी अव्यवस्था होगी एंट्रोपी उतनी बढ़ेगी। तो इसका मतलब रेंडमनेस जो है आपकी अव्यवस्था जो है वो ही क्या है, एंट्रोपी है। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग जानना जरूरी है। ये तो इसका लॉजिक है कि अव्यवस्था जो होती है रेंडमनेस, किसी चीज का बिखरना जो है वो क्या है, एंट्रोपी है। और ब्रह्मांड में चीजें आप देख रहे हो कि अव्यवस्थित है, तो जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका जो फिजिकल जो सिंबल है इसको अपन जनरली अपन एस से लिखते हैं, छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं, ऊष्मा तथा ताप का जो अनुपात होता है वो एंट्रोपी है। लेकिन ये आया कहां से, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने बी पार्ट के अंदर पूछता है। लेकिन इससे पहले कार्नो साइकिल अपने को समझना जरूरी है। तो अपन डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी क्या है। सादी कार्नो ने एक इंजन बनाया जिसे कार्नो इंजन कहा जाता है। वो इंजन एक कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, वो बिहेवियर इंजन है, यानी एक व्यवहारिक इंजन है। और क्लॉसियस ने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंट्रोपी को डिफाइन किया है। तो सन 1850 की बात है और क्लॉसियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि कार्नो चक्कर का उपयोग करके या कार्नो इंजन का की दक्षता इट्टा जो है, जो 1 - T2/T1 आई है, उस कार्नो चक्कर की दक्षता का यूज करके एंट्रोपी को डिफाइन किया है। वो किस प्रकार से किया जाए, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्लॉसियस ने 1850 में कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर, कार्नो इंजन की तो दक्षता है ईटा के आधार पर, एक ऊष्मा गति की फलन, एक ऊष्मा गति की फलन जिसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, एक ऊष्मा गति की फलन को प्रदर्शित किया जिसे एंट्रोपी कहा जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्या किया कि क्लोसियस ने 1850 के अंदर कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर एक ऊष्मा गति की फलन, यहां पर आपको समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स में अपन जो वेरिएबल पढ़ते हैं ऊष्मा गति की चर जो होते हैं, ऊष्मा गति के चर अपन चार पढ़ते हैं, ताप, दाब, आयतन और एक एंट्रोपी, पी वी टी और एस। और पहले थर्मोडायनेमिक से जो वेरिएबल थे तीन थे, ताप, दाब और आयतन। उसके बाद में क्लोसियस ने जिस प्रकार से एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट अपने को दिया है, तो एंट्रोपी के बेस के ऊपर ये एंट्रोपी जो है एस, जिसको अपन एस से लिखते हैं, इस एंट्रोपी को भी थर्मोडायनेमिक्स के तीनों वेरिएबल के साथ रखा गया है। यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपने को चार चरों की जरूरत पड़ती है, और ये चार चर हैं पी वी टी और एस। इन चार के आधार पर किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी। तो एंट्रोपी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपने इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें अपने को एंट्रोपी की जरूरत पड़ेगी, और बी पार्ट में अपने से 100% एंट्रोपी या एंट्रोपी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो अपने से पूछता है। तो क्लोसियस ने 1850 में क्या किया है कि कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर एक ऊष्मा गति की फलन है उसको मॉडिफाई किया, एक नया फंक्शन अपने को दिया जिसे एंट्रोपी कहा जाता है, और इसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक विशेष ध्यान अपने को ये रखना है कि एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी वो अव्यवस्था का प्रतीक है। एंट्रोपी किसी भी निकाय की, एंट्रोपी किसी भी निकाय की अव्यवस्था का मापन है। एंट्रोपी जो है वो किसी भी निकाय की अव्यवस्था का मापन है। आगे अपन बात करें ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो निरंतर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी अव्यवस्था का मापन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की जो अव्यवस्था है उसके अंदर जो रैंडमनेस है वो क्या है, एंट्रोपी है। तो अपन इसके आधार पर ये लिख सकते हैं कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेंडमनेस, ये फॉर्मूला हो गया। एंट्रोपी है वो अव्यवस्था का क्या है, समानुपाती है। किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उसकी एंट्रोपी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है एंट्रोपी समानुपाती होती है किसके, अव्यवस्था के। अव्यवस्था किस चीज की, किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन कोई सिस्टम लेते हैं तो उस सिस्टम में जितनी ज्यादा रेंडमनेस है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये है अपने ध्यान रखना है, एंट्रोपी किसी भी निकाय की अव्यवस्था का मापन है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है, एंट्रोपी की खोज 1850 में क्लोसियस नामक वैज्ञानिक ने की है, और आपसे ये पूछता है कि किस नियम के आधार पर की है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर एंट्रोपी की व्याख्या की गई है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया। अब अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये तो थ्योरी है एंट्रोपी की, और थ्योरी बनाई गई पहले, उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है वो जनरेट किया गया क्लोसियस के अनुसार। तो एंट्रोपी की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है क्लोसियस, और थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का इसने यूज किया है। किस आधार पर की है, कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर, और कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं
कार्नो इंजन की दक्षता यानी एफिशिएंसी। कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 है स्रोत का ताप, T2 है सिंक का ताप, ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। और एक ऊष्मा इंजन अपन ने पढ़ा है, ऊष्मा इंजन की दक्षता टेम्परेचर की जगह हीट आएगी, यानी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। T2 की जगह Q2 आएगा, T1 की जगह क्या आएगा, Q1 आएगा। अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता भी निकाल चुके हैं और कार्नो इंजन की दक्षता को भी अपन ने निकाल लिया। एक विशेष ध्यान रखना है, ये क्वांटिटी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है, इसको अपन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 भी लिख सकते हैं। देखो यहां से अपन और क्या लिखते हैं, इसको देखो, इसकी दक्षता और इसकी दक्षता को इक्वल कर सकते हैं, यानी 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और इसको अपन क्या लिखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 भी लिखते हैं। इसको थर्मोडायनेमिक्स में आप अच्छे से पढ़ते हो 11th क्लास के अंदर, तो उसमें एक्सप्लेन करवा रखा है कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं और फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को कैसे लिख दिया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहां से मैं इसको देखो क्या लिखता हूं, 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। ऊष्मा जो इंजन है उसकी दक्षता 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिखो, चाहे 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बोथ साइड 1 से 1 कैंसिल। यहां देखो ये क्या बच गया, माइनस T2 अपॉन T1 और ये क्या बच गया, Q2 अपॉन Q1। और 1-1 को एक साइड में करेंगे अपन, 2-2 को एक साइड में करेंगे। ये देखो Q1 है, ये इस साइड में आएगा तो मल्टीपल में, तो Q1 को इस साइड में ले आए, ये क्या बचेगा अपॉन T1 इक्वल्स टू, ये माइनस इस साइड में चला जाएगा और ये Q2 है और ये T2 गुणा में इस साइड में आएगा भाग में T2। तो अपन ने क्या किया, 1-1 को एक साइड में कर दिया, लेफ्ट साइड में हो गया Q1 T1 और राइट साइड के अंदर क्या हो गया Q2 T2 और माइनस का जो सिंबल है वो अपन ने इसको इस साइड में ले गए। अब देखिए यहां देखिए, इसको इस साइड में ले आए अपन, तो ये क्या हो जाए प्लस, यानी ये Q1 अपॉन T1, ये हो जाए Q1 अपॉन T1 और प्लस Q2 अपॉन T2 इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्नो जो चक्कर है या कार्नो जो इंजन है उसमें क्यू तथा टी के पदों का योग क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये तो दो ही टर्म है, अगली टर्म अगर ये तो पहली टर्म आ गई Q1 अपॉन T1, अगली टर्म Q2 अपॉन T2, नेक्स्ट टर्म क्या है Q3 अपॉन T3, अगली क्या है Q4 अपॉन T4, तो जितने भी क्यू बाय टी के पद हैं उनका सभी का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा, अर्थात कार्नो चक्कर में क्यू बाय टी के सभी पदों का योग 0 होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कार्नो चक्कर में क्यू बाय टी के कितने भी पद आए उन सभी को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अर्थात इसको क्या लिखते हो आप, समेशन ऑफ क्यू बाय टी इक्वल्स टू 0। सभी पदों का जो योग है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और अपन क्या लिखते हैं इसको, ये जो प्रोसेस है कार्नो चक्र को, आप देखो कार्नो चक्र में, कार्नो चक्र को उत्क्रमणी
चक्र भी कहा जाता है, या कार्नो इंजन को अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय इंजन। तो उत्क्रमणीय इंजन यानी रिवर्सिबल इंजन भी अपन बोल सकते हैं। कि कार्नो ने क्या बताया है, द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है, कार्नो प्रमेय जो है ये किसी भी दो तापों के बीच में कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से क्या नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस बेस के ऊपर आपको यहां पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये जो कार्नो चक्र का डायग्राम है, एक डायग्राम अपन देखते हैं प्रेशर पी और वॉल्यूम वी के बीच में। एंट्रोपी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से एक इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। ये प्रारंभिक अवस्था है, ये अंतिम अवस्था है। यहां पर प्रेशर पी वन वॉल्यूम वी वन, और यहां पर प्रेशर पी टू और वॉल्यूम वी टू, और ये समतापी और रुदोसम प्रक्रम है। क्योंकि कार्नो चक्र में कार्नो जो चक्र है वो चार प्रक्रमों से पूरा होता है, जिसमें एक समतापी प्रक्रम, फिर आता है रुदोसम प्रक्रम, फिर समतापी संपीड़न, और फिर आता है रुदोसम संपीड़न। तो जिसमें टेम्परेचर जो है समतापी के अंदर टी है वो सेम रहता है, और रुदोसम के अंदर चेंज भी हो सकता है। तो मैंने उसको यहां पर डिनोट नहीं किया है टेम्परेचर को, तो समतापी प्रक्रम है, ऑलमोस्ट आपको टेम्परेचर क्या होगा सेम मिलेगा। अब अपन देखते हैं ए से बी पॉइंट तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, बी से ए तक है वो अपन किस प्रकार से पहुंचते हैं। इसको देखो क्या लिखते हैं इसके बेस पर। ये जो प्रोसेस है ये उत्क्रमणीय है, यानी कोई भी इंजन अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो उसको अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और कार्नो जो इंजन है वो स्रोत से उष्मा लेकर कार्य करता है, सिंक को देता है, फिर सिंक से लेकर वापिस कार्य करता है और स्रोत को देता है। तो ये चक्रीय प्रक्रम के अंदर कार्य है, इसलिए कार्नो जो इंजन है उसको उत्क्रमणीय इंजन भी कहा गया है। इसके बाद में देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फोर रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू बाय टी इक्वल्स टू, समेशन को अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा दो पदों के लिए, देखो इसी को तो अपन ने समेशन लिखा है, तो इसको लिखते हैं Q1 वन बाय टी वन प्लस समेशन ऑफ Q2 टू बाई टी टू और इक्वल्स टू जीरो। इस समेशन को अपन ओपन कर सकते हैं, और अगर ये जो चेंजमेंट है ये बहुत ही कम हुआ है तो और करके देखो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्यू बाई टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू वन बाई टी वन प्लस समेशन ऑफ क्यू टू बाई टी टू इक्वल्स टू जीरो। अरे ये जो देखो प्रोसेस कहा है, ए से बी, इस इंटीग्रेशन की लिमिट है ए से बी, और इसकी लिमिट क्या है बी से ए, और इसको अपन क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन। अगर जो हीट है वो ज्यादा ना होके अल्पांश है तो अल्पांश के लिए डीक्यू लिखते हैं, तो समेशन ऑफ डीक्यू इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू बाई टी, सभी क्यू को अपन डीक्यू करना है तो ए से बी इसको लिखते हैं अपन डी क्यू वन अपॉन टी वन प्लस बी से ए इसको लिखते हैं डी क्यू टू अपॉन टी टू इक्वल्स टू जीरो। यहां पर हीट कितनी है क्यू, और अब अपन ने अल्पांश हीट के लिए इसको क्या लिख दिया डी क्यू लिख दिया। और इसके इक्वल जो है वो कितना है जीरो।
उसके बाद में देखिए, यहां से इसके इक्वल जीरो आ गया, तो यहां से इस साइड में जाएगा नेगेटिव साइन, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, ए से बी डी क्यू वन बाई टी वन इक्वल्स टू माइनस बी से ए डी क्यू टू बाई टी टू इक्वल्स टू, नहीं आएगा नेगेटिव साइन आ गया। ए से बी की प्रोसेस, बी से ए, ये दोनों एक ही चीज है, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि ये ए से बी की प्रोसेस है, ये बी से ए की प्रोसेस है। अब ये जो अनुपात है, इस डी क्यू बाई टी को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन किससे लिखेंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस इक्वल्स टू, ये देखो हीट जो है वो अल्पांश है, डी की फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे डीएस, और डीएस इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए से बी, और इसको लिखते हैं डी क्यू वन बाई टी वन, या फिर इसी के इक्वल है माइनस लिमिट अगर बी से ए हो तो क्या लिखेंगे, डी क्यू टू अपॉन टी टू, ठीक है। डीएस क्या है, यहां पर सिस्टम की एंट्रोपी होगी। अब इन दोनों पदों में से किसी एक ही पद को, क्योंकि दोनों इक्वल है, नेगेटिव साइन तो मैंने आपको बताया कि इसलिए कि प्रोसेस ए से बी हो, फिर वापस बी से ए जाओगे तो डायरेक्शन की वजह से आया, तो इसके इक्वल किसी एक ही को मानोगे आप, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगला टर्म आएगा तो डी क्यू थ्री अपॉन टी थ्री इस प्रकार से आएगा, और करके इसको डीएस इक्वल्स टू ये भी लिखते हैं, एंट्रोपी इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी आएगा, ठीक है। अगर ये इंटीग्रेशन इस साइड में आएगा तो इसका डिफरेंशिएट को हटा देगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के प्रतिलोमी है, या फिर यदि परिवर्तन अति अल्प हो तब डीएस को क्या लिखोगे यहां पे, डेल एस, और डेल एस इक्वल्स टू क्या आएगा, डी क्यू बाई टी, ये है आपके एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो एंट्रोपी डेल एस बराबर कितनी होती है, डी क्यू बाई टी होती है, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, इसको अपन बोलते हैं एंट्रोपी। तो ये होती है अपनी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी, बेसिक आप ध्यान रखिए कि किस प्रकार से आया है एंट्रोपी, ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एंट्रोपी बिल्कुल इजी है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में अपन यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट फोर्थ जो है, यहां तक ये जो है यूनिट थर्ड है अपनी, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया है, और फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई टॉपिक है, और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट फोर्थ करेंगे जिसका नाम है मैक्सवेल संबंध, मैक्सवेल जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एंट्रोपी की जरूरत पड़ेगी, और फंक्शन है कई जैसे एंथैल्पी है, आंतरिक ऊर्जा है, इनकी अपने जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको केमिस्ट्री के अंदर इन चीजों का पता होगा, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो अपने यहां पर सोल्व करेंगे।